दोस्तों हमारे चैनल के नए वीडियो को देखने के लिए YouTube ऐप पे सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों जब भी हम अपने स्मार्टफोन में कोई वीडियो देखते हैं तो हम सब एक ही जो वीडियो प्लेयर को यूज करते हैं जिसका नाम है MX Player, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स देता है जिसको हम यूज करके अपने वीडियो को आराम से कर सकते हैं एंजॉय। जैसे हम कुछ फीचर्स को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम म्यूजिक का वॉल्यूम जो कर सकते हैं इंक्रीज, सिर्फ अपने फिंगर को हमें अप डाउन जो करना है ड्रैग, हमारे वॉल्यूम जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है इजीली। हम अपनी फिंगर को लेफ्ट टू राइट ड्रैग करें तो जो वीडियो है वो आगे और पीछे हो जाता है इजीली, और हम अपने वीडियो को प्ले होते हुए कंटिन्यू चल रहा होता है तभी हम अपने वीडियो को जो है जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें MX Player जो है देता है, जो डेवलपर्स ने ऐसे कमाल के फीचर उसमें रखे हैं। मैं अगर आपसे कहूँ इन सब फीचर्स को छोड़ के और भी कुछ कमाल के फीचर जो आपके आ सकते हैं काम, उन सब फीचर्स को करूंगा आज आप लोगों से शेयर। तो देखते रहिए इस वीडियो को मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट ASG और आप देख रहे हैं माउंटेन टेक लेटेस्ट स्टडी। तो दोस्तों क्या है वो कमाल के हिडन फीचर्स जो हमारे MX Player को यूज़ करते हुए आ सकते हैं बहुत काम, तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पीछे पहले कीजिए अपने MX Player ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों अपने जो वीडियो उसको कीजिए प्ले। दोस्तों जैसे आपका कोई वीडियो चल रहा है आप ले रहे हैं उसमें बहुत मज़े, आपको करना है एकदम से उसको पॉज। तो आप सबसे पहले एक बार करते हैं क्लिक स्क्रीन पर, फिर करते हैं उसको पॉज, फिर कीजिए उसको प्ले। तो दोस्तों एक बोरिंग प्रोसेस है। तो आप सबसे पहले फीचर हमारा नाम रहेगा डबल टैप प्ले एंड पॉज। तो उसको करने के लिए आप सबसे पहले जो साइड में तीन डॉट दे रखे हैं उस पर एक बार कीजिए क्लिक। डिस्प्ले में जाइएगा, डिस्प्ले में जाने के बाद नीचे सेटिंग्स दे रखे होंगे, सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद तीसरे नंबर पर कंट्रोल दे रखा हो, कंट्रोल में जाइएगा और नीचे यहाँ पर दे रखा हो दोस्तों डबल टैप प्ले एंड पॉज। तो डबल टैप एंड प्ले पॉज पर दोस्तों चेक मार्क टिक कर दीजिए और बस अब बैक हो जाएगी, बैक से आपके ऑटो सेव हो जाएंगी सेटिंग्स। अब डबल टैप कीजिए स्क्रीन पे दोस्तों तो आपका वीडियो जो हो जाएगा पॉज। डबल टैप कीजिए वीडियो हो जाएगा प्ले। डबल टैप कीजिए वीडियो हो जाएगा स्टॉप। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको जो है फास्ट देता है एक्सेस करने के लिए और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता ज़्यादा कि बार बार टैप कीजिए स्क्रीन को, वेक कीजिए और अपने यहाँ पर प्ले कीजिए पॉज कीजिए। तो डबल टैप कीजिए प्ले होने लग जाता है, डबल टैप कीजिए जो है पॉज हो जाता है। काफ़ी अच्छा फीचर है ये। अब चलते हैं दोस्तों अपने शॉर्टकट नंबर टू की तरफ जो है हमारा बैकग्राउंड प्ले बैक। तो दोस्तों हमारे जो MP3 प्लेयर होते हैं वो हमें फीचर्स ऐसे देते हैं कि हम किसी ऐप को यूज़ कर सकते हैं और हमारा म्यूज़िक जो है बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा और हम किसी भी ऐप के मज़े ले सकते हैं। तो अब हम जो है MX Player में भी ये काम कर सकते हैं मगर हम लोगों को पता नहीं होता कैसे लें इस फीचर के मज़े। तो दोस्तों यहाँ पर तीन टैब दे रखे हैं तो इस कीजिए एक बार क्लिक। अब आपको डिस्प्ले में नहीं प्ले में जाना है। प्ले में जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड प्ले दे रखा है उसको कीजिए चेक मार्क, बस आपका हो गया है ये सेटिंग सेव। बस अब यहाँ से आप बैक हो जाइए, बैक हो गए हैं। देखिए आपका जो है अब भी चल रहा है वीडियो, ऊपर नोटिफिकेशन में भी दिखाई देगा आपको कि ये वीडियो चल रहा है। और अब आप अपनी स्क्रीन भी अगर बंद कर देते हैं और आपके सिर्फ म्यूज़िक सुनना है, कोई गाना सुनना है तो वो भी आपका चलता रहेगा। देखिए आवाज़ आ रही है और चल रहा है आराम से। तो आपका जो बैटरी भी बचेगी और आप म्यूज़िक की मदद ले पाएंगे MX Player के थ्रू दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं और अपने फीचर नंबर थ्री की तरफ, मतलब शॉर्टकट नंबर थ्री की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो है वॉल्यूम की से जुड़ा हुआ शॉर्टकट है। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है दोस्तों सिर्फ अप टू 15% तक जाता है, मतलब 100% जो इसका डिफ़ॉल्ट सेट है सिर्फ 15 है। तो दोस्तों हम इसको और बढ़ा सकते हैं अप टू 200% तक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो हमारे इसमें जो है दोस्तों बैक हो जाइए यहाँ पर MX Player की सेटिंग्स पर जाने के लिए आप कीजिए बाहर से इसको जो आपके तीन डॉट दे रखते हैं दोस्तों। अरे एक बार इसको पॉज कर देते हैं दोस्तों, ये कोई हंस रहा है बहुत। अब चलते हैं बाहर की ओर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कीजिए तीन डॉट्स को, सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों जो है डिकॉर्डर्स में जाने के बाद आपको यूज़ करना है HW+ डिकॉर्डर को, कर दीजिए सेट। बस बैक हो जाइए
वीडियो में दोबारा जाइए, उसको कीजिए प्ले, वो प्ले होने लगेगी। और प्ले होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो HW आ रहा है HW प्लस रिकॉर्डर पर सेट कर दीजिए। और अब देखिए आपकी जो वॉल्यूम है दोस्तों वो होने लगेगी फुल 200% तक, मतलब 30 तक हो जाने लगेगी। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आपका कोई वीडियो जो कम आवाज़ में है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस फीचर को यूज़ करके उसके आप मज़े ले सकते हैं वीडियो के भी, और आपको आराम से सुनाई देगा। मगर दोस्तों इसका एक ये नुकसान है कि आप जो है पहले से किसी वीडियो की आवाज़ सही है और काफ़ी लाउड है और तब भी आप इस फीचर को यूज़ करते हैं तो आपके स्पीकर पे पहुँचेगा नुकसान और आपका स्पीकर रिप्लेस करने की भी नौबत आ सकती है। तो आप प्लीज़ इस फीचर को सोच समझ के ही यूज़ कीजिए। आपका अगर वीडियो सही चल रहा है तो प्लीज़ आप जो है इस फीचर को यूज़ ना कीजिए। सिर्फ 15% जो दे रखा है बाय डिफॉल्ट सोच समझ के दे रखा है, तो आप 15% तक ही रहने दीजिए। चलिए अब करते हैं अपने ट्रिक नंबर शॉर्टकट नंबर 4 की बात, तो वो है हमारा किसी भी जो है वीडियो को हाइड करने का। तो दोस्तों हमें किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को और इंस्टॉल नहीं करना है किसी भी वीडियो को हाइड करने के लिए, हमें MX प्लेयर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। वो कैसे, हम यहाँ पर इसको लॉन्ग टैप करके रखें और नीचे जो है एक पेंसिल का आइकन आ रहा है उसको कीजिए एक बार टैप, तो वो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। रीनेम के लिए करिए, सबसे स्टार्टिंग में जाइए और यहाँ पर लगा दीजिए स्पेस स्टार्टिंग में एक डॉट, डॉट करने की बात कर दीजिए ओके, और वीडियो हो जाएगा यहाँ से गायब। तो दोस्तों क्या हुआ, कैसे हुआ और आप को मैं बताता हूँ। तो दोस्तों किसी भी वीडियो किसी भी फाइल के आगे हम लगा देते हैं अगर डॉट, तो दोस्तों वो बन जाती है हमारी सिस्टम फाइल। तो MX प्लेयर सिस्टम फाइल नहीं दिखाता है, सिर्फ वीडियो शो करता है क्योंकि ये एक वीडियो प्लेयर है। तो सिस्टम फाइल वो बन चुकी है और यहाँ से हो गई गायब, तो अब हम उसको वापस कैसे लाएं दोस्तों, ये भी समझने और देखने वाली चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीन डॉट दे रखे हैं इसको फिर से आप कीजिए एक बार क्लिक, क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने का अब जाएंगे हम सबसे पहले ऊपर लिस्ट में, लिस्ट में जाने के बाद सबसे नीचे जाइएगा और यहाँ पर आपको दे रखा होगा दोस्तों शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, इसको बस आप कर दीजिए टिक एक बार और यहाँ पर आप बैक हो जाइए और रिफ्रेश कीजिए अपने पेज को, तो यहाँ पर आपका फिर से वो वीडियो शो होने लगेगा। तो दोस्तों फिर से हम अगर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं उसको तो ये वीडियो फिर से गायब हो जाएगा, तो इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पर नीचे फिर से पेंसिल वाले आइकन पर जाके इसको फिर से रीनेम कर लीजिए, जो हमने जो डॉट लगाया था दोस्तों बस उस डॉट को करना है गायब यहाँ से। उस डॉट को जैसे आप गायब कर देंगे तो फिर से ये जो है आपका फिर से जैसे हो जाएगा। अब आप इसको डिफॉल्ट कर देंगे वहाँ से सेटिंग्स में जाके, तो ये दोबारा से गायब नहीं होगा वीडियो। दोस्तों अब चलते हैं हमारी ट्रिक नंबर 5 की ओर, मतलब शॉर्टकट नंबर 5th की ओर। तो दोस्तों वो है हमारे लॉक से जुड़ी हुई। दोस्तों हमारे जो वीडियो प्लेयर, जैसे हम किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ वीडियो प्लेयर में नीचे लॉक का ऑप्शन आता है जो हमारे स्क्रीन को कर देता है लॉक, और हमारे जो की भी होती हैं जो बटन्स होते हैं उनको भी लॉक कर देता है, वो काम नहीं करती हैं। तो उसको सिर्फ हम इसको अनलॉक तभी कर सकते हैं तब इस पर हम टैप करेंगे तो ये अनलॉक होगा। तो दोस्तों हम इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और किड्स के थ्रू काफ़ी अच्छा पसंद किया गया है इस फीचर को। तो दोस्तों क्या है, आप फिर से यहाँ पर वीडियो के ऊपर यहाँ पर तीन टैप वाला ऑप्शन को कीजिए और डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद दोस्तों फिर से सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहीं पर ऊपर आ रहा है लॉक मोड, लॉक खाली लिख के आ रहा है, इसको करेंगे हम किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट्स। जैसे हम इसको करेंगे और बैक करेंगे ऑटो सेव हो जाएंगी सेटिंग्स दोस्तों, और यहाँ से जैसे हम इसको करेंगे लॉक, तो अब दोस्तों हमारे यहाँ पर कोई लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जैसे आप करेंगे दोस्तों कहीं पर भी क्लिक, तो छोटे छोटे और अच्छे अच्छे स्टिकर्स आने लगेंगे, हार्ट शेप दोस्तों, स्टार आएगा, और भी जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई आएगा दोस्तों, रैबिट आएगा दोस्तों। इसलिए ये बच्चों के थ्रू ज़्यादा पसंद किया गया है फीचर दोस्तों, कि उनको अच्छा लगता है ये फीचर और अलग अलग आवाज़ों के साथ ये जो है छोटे छोटे स्टिकर्स दिखाई देते हैं दोस्तों। मगर एक सोचने वाली बात है कि हमारी कोई भी जो की काम नहीं कर रही है और हम इसको कैसे जो है नॉर्मल और अनलॉक करेंगे, हमारा कहीं पर भी अनलॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों हमें क्लॉक वाइज चारों कोनों पे एक एक बार जो है टैप करना है, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया अनलॉक दोस्तों, काफ़ी सिंपल और अच्छा है और यूनिक है, हर किसी से खुलने वाला नहीं है, मगर बच्चों से तो बिल्कुल नहीं खुलने वाला है।
तो काफ़ी अच्छा पसंद करा गया है, आप फिर से लॉक कर सकते हैं इसको और फिर से वो स्पीकर्स आने लगेंगे और सेटिंग पे जाके आप डिफ़ॉल्ट भी वैसे ही सेट कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपने लास्ट के शॉर्टकट की तरफ नंबर 6 की ओर दोस्तों, तो इसको कर लीजिए दोस्तों फिर से अनलॉक ताकि हम बता पाएँ क्या है वो लास्ट का शॉर्टकट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है थीम जो है हमारी बहुत बोरिंग सी लगी होती है वाइट, तो हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो चलता है तो यहाँ पर एक बार चलता रहता है जो ब्लू रंग का आ रहा है, पहले ग्रीन आता था तो वो भी थोड़ा मोटा सा और बोरिंग सा लगता है, हम इसको भी थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर चाहिए दोस्तों ऊपर चाहिएगा दोस्तों, फिर से डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद फिर से चाहिएगा दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद जाइएगा स्टाइल्स में, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर फ्लैट में लिख के आ रहा है तो इसको कर दीजिए दोस्तों मटेरियल। यहाँ पर बस इसको करने के बाद दोस्तों जैसे आप YouTube चला रहे हैं तो यहाँ पर पतला सा बार आता है और रेड रंग की दोस्तों बार पे जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है, तो वो उसको वैसे ही हम सेट करते हैं यहाँ पर और वैसे ही दिखाता हूँ आपको करके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बार हो गया एकदम पतला रेड कलर का जैसे आप YouTube पे देखते हैं, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये। हम अब बात करते हैं बाहर की थीम की दोस्तों, ये वाइट थीम हम कैसे इसको बदल सकते हैं, तो यहाँ पर जो तीन डॉट है फिर से क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइएगा, सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों जो हमारे लिस्ट है उसमें जाने के बाद थीम्स में जाइएगा, थीम्स में जाने के बाद देखें कितने ढेर सारे यहाँ पर दे रखे हैं आपको थीम्स, थीम्स जैसे यहाँ पर आपको मिलेगी दोस्तों ये एक ये है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप बैक जाएंगे तो ये आप ऑटो रिफ्रेश हो जाएगी और दोस्तों यहाँ पर आपकी थीम चेंज हो गई, पिंक एंड ब्लैक हो गई है। और देखते हैं और भी मज़ेदार है, लिस्ट में जाने के बाद थीम्स करते हैं और कर लेते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में हम कर लेते हैं येलो एंड ब्लैक, तो येलो ब्लैक की थीम करते हैं तो देखें यहाँ पर ब्लैक और बाकी येलो हो जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम्स हैं और काफ़ी हमारा यूनिक सा हो जाता है ये यहाँ पर मीनू भी और चेंज हो जाता है और MX प्लेयर से। दोस्तों अच्छे ट्रिक्स हैं और आपके काम आ सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आया होगा और ट्रिक्स भी काफ़ी पसंद आई होंगी और आपके बहुत काम आएंगी। अच्छी लगी तो दीजिए इस वीडियो को एक लाइक दोस्तों, कीजिएगा शेयर और भी लोग समझ पाएँ, और अब तक मैंने कोई ट्रिक आप लोगों को पता हो मैंने कर दिए मिस तो नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए वो क्या ट्रिक है ताकि और लोगों की मदद हो पाए और मैं भी सीख पाऊँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे कमाल के और भी वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलूँगा आपका होस्ट ASJ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।